नमस्कार, मैं तुषार गुप्ता डीएलएड के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की चर्चा का विषय है पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण अधिगम हेतु भ्रमण। पर्यावरण अध्ययन भ्रमण की शुरुआत हम लोग इसके एक संक्षिप्त परिचय से करते हैं। आज के इस तकनीकी युग में बच्चे ज़्यादातर समय बजाय बाहर खेलने व प्रकृति के साथ समय व्यतीत करने के घर के भीतर खेले जाने वाले खेल में जैसे कि वीडियो गेम, कंप्यूटर गेम और मोबाइल में व्यतीत करते हैं। इस प्रकार वे प्रकृति की गोद में खेलने से वंचित रह जा रहे हैं। पर्यावरण अध्ययन में भ्रमण सर्वाधिक पुरानी दृश्य सहायक सामग्री मानी जाती है। यह विद्यार्थियों की शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। भ्रमण में विद्यार्थी अपने ज्ञान को प्रत्यक्ष रूप से देखकर उसे अस्थायी एवं समृद्ध बनाता है। हालांकि कक्षा में शिक्षक औपचारिक शिक्षण के माध्यम से विषय वस्तु की संप्रत्यायात्मक समझ विकसित करने का पूर्ण प्रयास करता है, परंतु इस प्रकार का ज्ञान सार्थक सिद्ध नहीं होता है। इसलिए भ्रमण के माध्यम से इस अर्जित ज्ञान को चिर अस्थायी बनाने का प्रयास किया जाता है। फलस्वरूप पर्यावरण अध्ययन में भ्रमण की प्रासंगिकता प्राथमिक स्तर से ही लेकर उच्च स्तर तक की कक्षाओं में सर्वथा से रही है और रहेगी। पर्यावरण के बारे में विद्यार्थियों को शिक्षा देना उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटना के रूप में देखना चाहिए। प्रायः पर्यावरण अध्ययन से जुड़े औपचारिक और अनौपचारिक प्रकरण आपस में अंतर संबंधित होते हैं। उदाहरणार्थ, यदि एक विद्यालय समुद्र तटीय क्षेत्र में स्थित है और वह औपचारिक इकाई के रूप में समुद्री जीवों के बारे में अध्ययन कर रहा है, तो शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों दैनिक जीवन के बहुत से पहलुओं को अनौपचारिक अध्ययन में भी सम्मिलित करने का अवसर खोज सकेंगे। यह इसकी एक बहुत बड़ी खूबी है। पर्यावरण अध्ययन को बाहरी दुनिया से जोड़ने के लिए विद्यार्थियों को कक्षागत वातावरण से बाहर निकालकर संक्षिप्त रूप में नज़दीकी तौर पर विद्यालय परिसर के आसपास तथा यदि हम इसे विस्तृत तौर पर चाहते हैं तो सुदूर अध्ययन भ्रमण के लिए ले जा सकते हैं। पर्यावरण अध्ययन भ्रमण और भी अर्थपूर्ण तब बन जाता है यदि शिक्षक कक्षा में पढ़ाई जा रही पाठ्य वस्तु या इकाई को प्रत्यक्ष रूप से उससे संबंधित कर दे। भ्रमण को कक्षा अध्ययन से जोड़कर विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव को पुनर्बलन प्रदान किया जा सकता है। इसके साथ ही यह प्रदर्शित किया जा सकता है कि पर्यावरण अध्ययन कक्षा में पढ़ाए जाने वाले विषय से बढ़कर कुछ और भी है, यानी इसका महत्व और बढ़ जाता है या कक्षा में पढ़ाए जाने वाले विषय से बढ़कर हो जाता है। उदाहरण के लिए पर्यावरण अध्ययन के प्रकरण जैसे कि एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म पौधों के बीज, फल, पत्तियों आदि में अंतर स्पष्ट करने के लिए पर्यावरण अध्ययन भ्रमण की सहायता से पाठ वस्तु का शिक्षण करना बहुत ही समीचीन होगा। पर्यावरणीय अध्ययन भ्रमण विद्यार्थियों को खुले वातावरण में कुछ समस्याओं का समाधान करने के लिए भी प्रेरित करती है। जब भी संभव हो एक शिक्षक को विद्यार्थियों से अपने पर्यावरणीय अध्ययन भ्रमण के औचित्य को साझा करना चाहिए। अपने अनुभवों को उनके साथ साझा करने से वो बढ़ेगा ही, साथ में विद्यार्थी भी लाभान्वित होंगे तथा स्वयं उनसे अध्ययन भ्रमण का नियोजन करने के लिए प्रेरित करना चाहिए ताकि इस पर्यावरणीय अध्ययन भ्रमण कार्यक्रम में विद्यार्थी भी सक्रिय भूमिका निभा सकें। विद्यार्थियों की पर्यावरणीय अनुभव बनाने में मदद करते समय ज़्यादातर शिक्षक औपचारिक दिशा निर्देश का पालन करते हैं। दुर्भाग्यवश इस प्रकार वो पर्यावरणीय अध्ययन जैसे विषय की प्रकृति को एक निश्चित दायरे में बांध देते हैं। ये दीगर बात है कि वे अच्छा अनुभव रखने के कारण विद्यार्थियों के जीवन में कुछ स्थान भले ही बना लें, परंतु वे उस अनूठे अनुभव को बनाने में असफल रह जाते हैं जो उस विशेष भौगोलिक परिस्थिति और उस कक्षा में होने चाहिए। अतः हम कह सकते हैं कि अनौपचारिक पाठ्यक्रम का महत्व पर्यावरण अध्ययन में और भी बढ़ जाता है। अनौपचारिक पाठ्यक्रम की मदद से विद्यार्थी कक्षा के अनूठी प्रकृति अवसर को अपने घर के आसपास के वातावरण से जोड़ पाते हैं। पर्यावरण के भ्रमण के दौरान बालक प्रकृति के बहुत समीप आ जाता है, जिससे वह रोमांचित हो उठता है उन प्राकृतिक नज़ारों को देख करके। वह प्रकृति के गूढ़ रहस्यों एवं रचनाओं का समीप से अवलोकन कर पाता है। जब बालक प्रत्यक्ष रूप से किसी चीज़ का अवलोकन करता है तो उसमें विभिन्न इंद्रियों का एक साथ उपयोग करने की क्षमता का विकास हो जाता है। प्रकृति के साथ
उसका यह मिलन अप्रत्याशित होता है, क्योंकि भ्रमण के दौरान वह जिन अनुभवों से होकर गुजरता है वह उसकी सोच की सीमाओं से परे होता है। पर्यावरण अध्ययन हेतु नियोजित भ्रमण के द्वारा विद्यार्थियों में सूक्ष्म निरीक्षण करने, अपनी मानसिक शक्तियों का विकास करने, अपनी जिज्ञासा तथा अन्वेषण प्रवृत्ति का उचित प्रयोग करने के पर्याप्त अवसर प्राप्त होते हैं। अब आगे हम देखते हैं पर्यावरण अध्ययन हेतु भ्रमण के उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं। तो इस विषय पर सबसे पहले हम कह सकते हैं कि विद्यार्थियों में पर्यावरण अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करना इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसके बाद विद्यार्थियों में वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास करना भी इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। विद्यार्थियों में पर्यावरण अध्ययन के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करना भी इसके उद्देश्यों में शुमार किया जा सकता है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता को विकसित किया जा सकता है। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए भी पर्यावरण अध्ययन भ्रमण बहुत उपयोगी है। कक्षा कक्ष की गतिविधियों को प्राकृतिक वातावरण में आत्मसात करने में भी यह बहुत उपयोगी है। विद्यार्थियों में समूह में कार्य करने की भावना का विकास भी इससे होता है। विद्यार्थियों को प्रकृति के खुले वातावरण में आहमोद प्रमोद भी इससे प्राप्त होता है। अब हम लोग इस पर्यावरण अध्ययन के लिए भ्रमण कार्यक्रम का आयोजन करते हैं उसके बहुत से पहलू हैं जिसको हम क्रमशः आगे बिंदुवार चर्चा करेंगे। पर्यावरण अध्ययन हेतु भ्रमण का सफल आयोजन बहुत ही हद तक शिक्षक के विवेक एवं नियोजन पर निर्भर करता है। यदि वह उपयुक्त रीति से कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए नियोजन करता है तो भ्रमण अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर लेगा। भ्रमण के सफल कार्यान्वयन हेतु शिक्षक को मुख्यतः दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, भ्रमण स्थल का चयन और दूसरा, भ्रमण के लिए नियोजन। तो हम लोग पहले बिंदु पर चर्चा करते हैं, भ्रमण स्थल का चयन कैसे करना चाहिए। भ्रमण के लिए सर्वप्रथम ऐसे स्थान का चुनाव करना चाहिए जहां विद्यार्थियों को ले जाया जा सके। तदुपरांत भ्रमण के लिए ऐसे स्थल का चयन करना चाहिए जो विद्यार्थियों की पर्यावरण अध्ययन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता हो। दूसरा बिंदु है भ्रमण के लिए उचित नियोजन करना। यह बहुत ही आवश्यक बिंदु है एक भ्रमण को सफल बनाने के लिए। तो इसके अंतर्गत भ्रमण स्थल का जब चयन हो जाता है तो सर्वाधिक महत्व का विषय होता है उसका सुव्यवस्थित नियोजन। इस नियोजन को करते समय शिक्षकों को चाहिए कि वे अध्ययन भ्रमण कार्यक्रम में विद्यार्थियों की भागीदारी को भी सुनिश्चित करें, क्योंकि अंततः इसमें अधिगम तो विद्यार्थियों को ही करना है। इसलिए भ्रमण के लिए नियोजन करते समय विद्यार्थियों को विश्वास में लेकर कुछ बातों का ध्यान रखना अत्यावश्यक है। पहला, भ्रमण स्थल का चयन हो जाने के बाद विद्यालय के सक्षम अधिकारियों व विद्यार्थियों के अभिभावकों से अनुमति लेना जरूरी है। दूसरा, भ्रमण पर जाने हेतु आवागमन के साधन की मुकम्मल व्यवस्था कर लेनी चाहिए ताकि भ्रमण के दौरान आवागमन को लेकर के कोई परेशानी पैदा ना हो। तीसरा, भ्रमण के प्रारंभ में ही विद्यार्थियों के सम्मुख उसके उद्देश्यों को स्पष्ट कर देना चाहिए ताकि विद्यार्थियों को या पूर्व में ज्ञात हो जाए कि उनके अध्ययन भ्रमण का उद्देश्य क्या है, वह क्यों जा रहे हैं। आगे, भ्रमण पर जाने से पहले आर्थिक संसाधनों की व्यवस्था सुनिश्चित कर लेना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर अध्ययन भ्रमण सुदूर क्षेत्र के लिए किया जा रहा है तो इसके लिए समुचित आर्थिक संसाधन की व्यवस्था होनी जरूरी है। इसके अंतर्गत कुछ धनराशि विद्यालय से तथा कुछ धनराशि विद्यार्थियों के सहयोग से एकत्र कर लेनी चाहिए। भ्रमण के दौरान जिन जगहों पर जाना हो अथवा रात्रि विश्राम करना हो या नमूने एकत्र करना हो तो उसका विवरण पहले से ही तैयार कर लेना चाहिए ताकि ऐन वक्त पर जल्दीबाजी में कोई चीज छूट न जाए। भ्रमण के दौरान जिन स्थलों के दर्शन की पूर्वानुमति आवश्यक है वहां शिक्षक को चाहिए कि सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त पहले ही प्राप्त कर ले। रात्रि विश्राम के लिए सुविधाजनक ठहरने की व्यवस्था तथा खाने के लिए शुद्ध भोजन का इंतजाम करना अति आवश्यक कार्य है। शिक्षक को यह सारे कार्य पहले से ही सुनिश्चित कर लेने चाहिए ताकि विद्यार्थियों को इसके लिए कहीं भटकना ना पड़े और उन्हें कोई दिक्कत ना हो। अब इस क्रम में हम आगे पर्यावरण अध्ययन के भ्रमण के लाभ पर चर्चा करेंगे। भ्रमण के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के प्रति रुचि जागृत होती है।
भ्रमण की सहायता से अमूर्त विषयों एवं प्रकरणों को भी आसानी से समझा जा सकता है। इन्हीं अमूर्त विषयों और प्रकरणों को समझाने में शिक्षक को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन अध्ययन भ्रमण के माध्यम से वह यह कार्य आसानी से कर सकते हैं। भ्रमण द्वारा विद्यार्थियों में सहयोग, नेतृत्व तथा आत्मविश्वास की भावना भी जागृत होती है और वह अपने को भविष्य के लिए तैयार कर पाते हैं। भ्रमण से विद्यार्थियों को मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान की प्राप्ति भी होती है, अर्थात उनका संज्ञानात्मक विकास भी होता है। भ्रमण से विद्यार्थियों की निरीक्षण शक्ति में अभिवृद्धि भी होती है। भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों को बहुत सी गतिविधियां परस्पर मिलजुल कर करनी होती है, जिसके फलस्वरूप उनमें साथी विद्यार्थियों के प्रति सहयोग की भावना भी उत्पन्न होती है और इस कारण वे टीम लीडरशिप की ओर अग्रसर होते हैं। भ्रमण से विद्यार्थियों को नीरस लगने वाला विषय भी रुचिकर लगने लगता है। भ्रमण से विद्यार्थी अपने को सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध करना सीख जाते हैं। वह एक बेतरतीब जीवन को त्याग करके सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से जीवन जीना सीख जाते हैं, अर्थात जीवन जीने की कला सीख जाते हैं। भ्रमण के दौरान विद्यार्थी अपनी पाठ्य पुस्तक से संबंधित अनेक उपयोगी सामग्री एकत्रित कर सकता है, जैसे बीज, पौधे की जड़ों को, मिट्टी के नमूनों को, पत्थर के टुकड़ों को तथा खनिज पदार्थ को। भ्रमण के दौरान विद्यार्थी को जटिल लगने वाले संप्रत्यय भी सरलता से स्पष्ट हो सकते हैं। भ्रमण से विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी उत्पन्न होता है। भ्रमण से विद्यार्थियों को प्राकृतिक रचनाओं को निकट से देखने तथा समझने का अवसर भी प्राप्त होता है और वे प्राकृतिक सौंदर्य को समझने का अवसर भी उठाते हैं और उसका महत्व भी जान जाते हैं। इसके साथ ही पर्यावरण अध्ययन भ्रमण के कुछ दोष भी हैं। उदाहरण के लिए, पर्यावरण अध्ययन भ्रमण बहुत ही महंगे हो सकते हैं, जिसके कारण प्रत्येक विद्यार्थी इसका लाभ नहीं उठा पाता है। इसलिए इसका आर्थिक रूप से कम खर्चीला होना ही लाभदायक होता है। इन भ्रमणों का उद्देश्य केवल कुछ विद्यार्थी ही समझ पाते हैं। कई बार उपयुक्त समय का चयन ना करने के कारण भ्रमण करना व्यर्थ सिद्ध हो जाता है। कई बार भ्रमण के दौरान शिक्षक उचित एवं अनुकूल वातावरण बना पाने में असमर्थ होते हैं और कई बार इस तरह के शैक्षिक भ्रमणों से विद्यालय क्रियाकलाप एवं गतिविधियों में थोड़ी बहुत बाधा उत्पन्न हो जाती है। इसके साथ ही इसी क्रम में पर्यावरण अध्ययन भ्रमण के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों पर भी दृष्टिपात करना जरूरी हो जाता है। शिक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पर्यावरण अध्ययन के भ्रमण कार्यक्रम का क्रियान्वयन पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार ही हो। दूरस्थ स्थान के लिए निर्धारित पर्यावरण अध्ययन भ्रमण के लिए प्राथमिक उपचार सामग्री, अल्पाहार तथा विश्राम के लिए पहले से ही व्यवस्था कर लेनी चाहिए। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय है। भ्रमण से पहले शिक्षक के द्वारा विद्यार्थियों को उसकी उपयोगिता तथा प्रासंगिकता का बोध भी करा देना चाहिए। भ्रमण के लिए पूर्व निर्धारित स्थल तक पहुँचने का मार्ग शिक्षक द्वारा पहले से देखा गया होना जरूर होना चाहिए। साथ ही उस मार्ग पर पड़ने वाले रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन एवं ऐतिहासिक महत्व की जगहों का शिक्षक को पूर्व ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक को पर्यावरण अध्ययन भ्रमण के दौरान हर वक्त सक्रिय रहना चाहिए। शिक्षक को भ्रमण के दौरान समय समय पर निरीक्षण करते हुए विद्यार्थियों का मार्गदर्शन भी करना चाहिए। विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन से संबंधित जिन वस्तुओं को एकत्र करना है, शिक्षक को उसकी जानकारी उन्हें पहले से ही दे देनी चाहिए। उपरोक्त विवरण के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि पर्यावरण अध्ययन के लिए प्रमुख विधियों में भ्रमण का महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि भ्रमण कक्षीय ज्ञान को अस्थायी एवं व्यवहारिक रूप प्रदान करता है। इसके साथ ही विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न होता है और वह रचनात्मक कार्यों को करने के लिए प्रेरित होता है। पर्यावरण अध्ययन के विषय में भ्रमण समस्याओं को हल करने तथा सूचनाओं व आभार देने के क्रम में महत्वपूर्ण गतिविधि है। किसी पार्क, चिड़ियाघर, जलजीवालय, संग्रहालय, ऐतिहासिक स्मारक, जनजातीय समुदाय, प्रकृति केंद्र, टेलीफोन एक्सचेंज, सरकारी अभिकरण,
अथवा कृषि योग्य भूमि के भ्रमण का प्रबंध शिक्षकों द्वारा किया जा सकता है, जो उनके संज्ञानात्मक विकास में अहम भूमिका निभा सकता है। यदि भ्रमण सुनियोजित और अभिप्रेरित ना हो तो यह शिक्षकों के लिए एक मुसीबत, विद्यार्थियों के लिए मात्र एक अवकाश और एक विद्यालय के लिए बुरे प्रचार का परिणाम भी साबित हो सकता है। भ्रमण का खाका एक निश्चित उद्देश्य के साथ खींचा जाना चाहिए, जिससे सवालों का जवाब प्रथम दृष्टया अवलोकन के माध्यम से ही प्राप्त हो सके। विद्यार्थियों को भ्रमण के उद्देश्य से अवगत होना चाहिए। शिक्षक को भ्रमण क्षेत्र की भलीभांति जानकारी होनी चाहिए और यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उस क्षेत्र को देखने व उससे संबंधित प्रश्न पूछने के लिए बहुत सारे अवसर हों। भ्रमण पढ़ाए जाने वाले विषय का एक अभिन्न अंग होना चाहिए, न कि सिर्फ कुछ करने की रस्म अदायगी। इसके अलावा यह आवश्यक नहीं है कि भ्रमण स्कूल के बाहर ही हो अथवा लंबी अवधि का हो। यह हमेशा विद्यालय परिसर में भी नियोजित किया जा सकता है, जैसे कि विद्यालय के मैदान में, विद्यालय के संग्रहालयों में, विज्ञान प्रयोगशालाओं आदि में। पर्यावरण के अध्ययन के लिए भ्रमण अत्यधिक उपयोगी हो सकते हैं। संभवतया वास्तविक भ्रमण के मुकाबले एक भ्रमण के लिए तैयार होने और उसके परिणाम संग्रहित करने के लिए अधिक समय व्यतीत करना चाहिए। इसके अलावा प्रासंगिक पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यवस्तु के माध्यम से भ्रमण विद्यार्थियों को अपने पर्यावरण विज्ञान के प्रक्रिया कौशल अर्थात प्रोसेस स्किल्स के अभ्यास का अवसर प्रदान करती है। आज की चर्चा में हमने जाना कि पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण अधिगम हेतु भ्रमण क्या है, पर्यावरण अध्ययन के लिए भ्रमण का सफल आयोजन कैसे किया जा सकता है, पर्यावरण अध्ययन हेतु भ्रमण के उद्देश्य क्या हैं, साथ ही इसके गुण दोषों पर भी प्रकाश डाला गया है। आज की चर्चा बस इतनी ही। अगली चर्चा पर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।